चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसमें आपके हम लोग 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज बात करनी है 6वें चैप्टर यानी कि राजनीतिक दलों के बारे में। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस या फिर किसी स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप समय रहते हुए 1 से 2 बार एनसीईआरटी को पढ़ लें, क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपको अगर लगता है कि एनसीईआरटी पढ़े कुछ उखाड़ लें आप लोग, तो नहीं उखाड़ सकते हैं। इसलिए समय रहते हुए इन्हें अच्छे से पढ़ लें। और वैसे एनसीईआरटी में वो सभी तथ्य दिए गए हैं जो सभी को जानना चाहिए। अगर भारतीय हैं आप लोग तो आपको जानना चाहिए कि आपके यहाँ की राजनीतिक दल क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है, सत्ता क्या है, नेता क्या है, इनके बारे में मालूम तो होना चाहिए, क्योंकि आप वोट देते हैं, वोट देने का अधिकार है। आपको पता तो होना चाहिए कि आपके वोट का आखिर होता क्या है। तो चलिए हम जानते हैं राजनीतिक दलों के बारे में। लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की। कक्षा 9वीं में हमने देखा है था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने बनाने संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन करने संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। इस पाठ पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे की वाहक और वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमें दलों की जरूरत क्यों है, लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है, इसी संदर्भ में मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे। साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ 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 क्या खामियां जुड़ी हुई, उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। याद रखिए, ये भी बात करेंगे हम लोग कि आपके क्षेत्रीय दल कौन कौन से, राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल कौन कौन से, अपडेट करके बता देंगे आपको। राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है आखिर? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं तो कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ मालूम ना हो, यानी कि कुछ ना जानते हो उसके बारे में। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए भी दलों को भी दोषी माना जाता है। एक बात याद रखिए, इनमें जो दल भी रहते हैं उन्हें भी संविधान के बारे में अधिकतर लोगों को मालूम नहीं रहता है। अधिकतर लोगों को आपके राष्ट्रगान के बारे में मालूम नहीं है अच्छे से। कई को नेता की परिभाषा नहीं है फिर भी वो नेता बने बैठे हुए हैं। कई को राष्ट्रगीत नहीं आता है, आपको पता होना चाहिए, फिर भी राजनेता बने हुए हैं। तो हमारे देश की इसका दुर्भाग्य कहिए कि अभी आप गली चलत रिक्शे वाले से भी राजनीति पर बात करिए, राजनीतिक दलों पर, उसे पता चल जाएगा, यानी कि वो अपना विचार जरूर देगा आपको। लेकिन अगर संविधान के बारे में बात करिए या फिर राजनेताओं के अच्छे कर्तव्यों के बारे में बात करिए, उसके बारे में शायद हम नहीं मालूम है। और एक बात रही कि इसी का हम लोग खामियाजा भुगतने पड़ रहा है कि अगर आप वोट दे रहे हैं आपको मालूम तो होना चाहिए कि आपके देश में क्या चल रहा है, संविधान में क्या आपके अधिकार दिए गए हैं, क्या कर्तव्य दिए गए हैं। तो इससे कि हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है, यही सोच के इनकी जिंदगी उसी हाल में है कि किस लिए जिए किस लिए मरे कोई पता नहीं चलता है। अगर आप किसी भी देश में रह रहे हैं तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, संविधान के बारे में, आपको लोकतंत्र के बारे में, इन सब भौगोलिक स्थिति के बारे में, ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जो हर किसी को जानना चाहिए, फिर चाहे किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है?
करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। अब गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। उनकी जरूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। देख रहे होंगे इस तरह के चुनाव चिन्ह, जब चुनाव आता है तो आपके घरों पर इस तरह के बना दिए जाते हैं। उससे पहले आपके यहाँ देखने ही नहीं आता है कोई, समझ रहे हैं? ये आपकी, ये क्या है, एम गोवर्धन, ए मुरली धरन, ये आपके एम मूर्ति, टी सेंगरविलू द हिंदू। चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार पर रोक, लेकिन रोक लगा दी थी। अधिकांश दलों का कहना है कि यह चुनाव का प्रचार का सबसे सस्ता तरीका है था। चुनाव के समय दीवारों पर नजारा देखने लायक होता था। यहाँ तमिलनाडु से दीवार लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए। और वैसे भी आप लोग अपने गांव में भी देखते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में, अपने शहरी क्षेत्रों में भी देखते होंगे कि शहरी क्षेत्रों में कम ही दिखाई देते हैं इस तरह के दीवारों पर लिखाई दे, क्योंकि आदमी लिखने नहीं देता है। लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर देखेंगे आप लोग इस तरह की प्रक्रिया है कि आपके घर के सामने लिख दिया जाता है, आपके घर की दीवार पर लिख दिया जाता है। जब स्थानीय चुनाव होते तब भी, और जब आपके एमएलए के हो रहे हो, यानी कि विधायक के हो रहे हो, या फिर आप लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तब भी इस तरह के प्रचार लिख दिया जाता है। राजनीतिक दल का अर्थ क्या है कि राजनीतिक दलों को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह सब समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर हैं। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास भी करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय के विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल तीन प्रमुख हिस्से हैं, नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या फिर समर्थक। एक बात याद रखिए, अगर आप क्षेत्रीय नेता बनते हैं, वो आप जात पात की राजनीति करते हैं, तो एक आप क्षेत्रीय नेता बनकर रह जाएंगे हमेशा। अगर आपको राष्ट्रीय नेता बनना है, वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की लालचा है, लालसा, तो आपको देखिए सबको लेकर चलने की जरूरत होती है। क्योंकि आपने देखा है जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है वो क्षेत्रीय ही नेता बनकर रहेंगे, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए कभी, क्योंकि आप एक जाति विशेष को लेकर नहीं कभी आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपकी बहुल क्षेत्र है, जाति भी वहां आपकी ज्यादा है, तो आप वहां चुनाव जीत जाए, लेकिन आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ करना होगा। राजनीतिक दल के कार्यों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। देख रहे हैं ये नेता, पता है आपको एक कहावत है आपके यहाँ बहुत बढ़िया कि चुनाव के पहले तक नेता आपके पैरों में रहता है और चुनाव के बाद आप नेताजी के पैरों में रहते हैं। दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवार का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा है, माफ करिएगा, किसी पार्टी का नाम या यूज करना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। जैसे आप सोचिए, बीजेपी या कांग्रेस का या किसी भी अन्य पार्टी का सदस्य है, उसे चुनाव, कहीं विधानसभा चुनाव हो रहे हैं या लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो उसे अपना उम्मीदवार खड़ा करना है, तो यहाँ पार्टी फैसला लेगी
क्या लेगी, पार्टी फैसला लेगी। ऐसा नहीं है कि अगर जनता को पसंद है उस व्यक्ति को चुनाव लड़ना दिया जाए, नहीं ऐसा नहीं। यहाँ राजनीतिक पार्टी जिसे चाहेगी उसे ही चुनाव में उतारेगी अपनी तरफ से उम्मीदवार, ठीक है। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लोग कौन सी नीतियाँ ठीक हैं इस बारे में हम में से सभी को राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती है। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं जिनका भी समर्थन करती हैं। सरकार पर शासन दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करता है। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका भी निभाती हैं। कानूनों का पर औपचारिक बहस होती है, उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं, इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कहीं संशोधन करना है तो आपके दोनों राज्यसभा लोकसभा में ले जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी तभी वो कानून पारित हो पाएगा। समझ रहे हैं आप? दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं। ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें। चुनाव हारने के बाद दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। एक याद रखिए, आज जो विपक्ष आप देख रहे हैं इस तरह के, ना तो सत्ता पक्ष हुआ है ना ही विपक्ष कह सकते हैं आप लोग। देखिए, सत्ता पक्ष का वो मतलब होता है कि बिना भेदभाव के, जैसे आपके देश में 135 करोड़ जनसंख्या है तो हो सकता है कि कहते हैं कि मोदी को 50 से 55% लोगों का ठीक है सपोर्ट मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि 50 से 55% मोदी इन्हीं का ख्याल रखें, ऐसा नहीं है। आपको पूरे 135 करोड़ जनसंख्या का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इसे आपको सरकार में लाने का यही मतलब है, लेकिन आप देखते हैं भेदभाव देखने को मिलता रहता है। और दूसरी तरफ आप देखिए, विपक्ष का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे जो नई सरकार देख रही है उनको लाकर सामने रखा जाए, उस पर बहस की जाए, विरोध किया जाए, लेकिन अधिकतर आप देखते हैं कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तब भी विरोधी विरोध होता रहता है, और गलत होता है तब भी विरोध होता है। एक सोचिए कि संसद का सत्र चल रहा हो तो एक दिन का खर्च करोड़ों रुपया होता है। कितना? करोड़ रुपया। आप देखते हैं कि विपक्ष पार्टियां जब दंगे करने लगती हैं, मतलब चिल्लाने लगती हैं, सत्य नहीं चलने देती हैं, तो आप सोचिए उस समय जनता का पैसा खर्च होता है। किसका? जनता का पैसा खर्च होता है। तो इसके मतलब इसके बारे में उन्हें नहीं समझ में आता है, या तो जनता का कोई महत्व भी नहीं है। तो इस तरह के चिन्ह, ये तो आपका लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। क्या 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 यही लोकतंत्र है? अगर यही लोकतंत्र है तो इससे बेहतर है कि राजतंत्र, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चीन किस तरह से आपके बाद आजाद होता है, 1949 में आजाद होता है जाकर, लेकिन आपके से बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। कह रहे हैं कि जीडीपी के मामले में पहले नंबर पर कुछ दिन बाद पहुंच जाएगा चीन, और हमारी स्थिति देखिए कितनी बुरी चल रही है। ये हकीकत है। कुछ तो हमारे नेताओं में खामियां रही हैं नीतियां बनाने में। जो 70 साल हो गए, 1947 से गरीबी हटाओ का आंदोलन चला आ रहा है, आज तक सफल नहीं हुआ। शिक्षा को आपका दुख देखिए, 2002 में जाकर शिक्षा को अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, तब तक शिक्षा पर कोई महत्व नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिए कि अभी भी गरीब, कई गरीब आपके स्वास्थ्य मतलब रोग से मर जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं है नहीं अच्छी। हॉस्पिटल सरकारी हैं, आप उनकी स्थिति जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों और सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। तो कुछ तो मतलब कमी रही है देखिए, वरना आपके साथ में जो आजाद हुए उनकी देशों की स्थिति देखिए, जापान की देख लीजिए, 2 बार परमाणु बम झेलने के बाद, हमला झेलने के बाद भी विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ है।
अभी आप कुछ ही दिन पहले आपने एक आर्टिकल देखा होगा, हम लोगों ने बात की थी तो उसमें किसी अच्छे मतलब नेता के द्वारा लिखा गया था, तो उसमें लिखा गया था कि मतलब बहुत बढ़िया नेता थे, तो लिखा गया था कि शर्म नहीं आती हम लोगों को, वो डायरेक्ट वोटरों को वो बता रहे थे कि आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप देखिए लूट हत्याकांड बलात्कारियों नेताओं को चुनकर आप लोग संसद में भेज रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा विधायकों में देख लीजिए, फिर चाहे लोकसभा सदस्यों में देख लीजिए, इसी मतलब का इसी तरह के अपराधी भरे पड़े हुए। और आप सोचिए अपराधियों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो आपको देखना चाहिए मतलब कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि आप देखते हैं कि किसी ने एक दो मर्डर किए आप उसी को चुनाव जता देते हैं, तो ये तो गलत है ना, और इसी का खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे मुद्दों को उठाते हैं, उन पर बहस करते हैं, विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर के में बिखरे होते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या फिर दबाव समूह भी काम करते हैं, दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं, अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बन जाती है। शासक दल, जिस दल का शासन हो यानी जिसकी सरकार बनी हो उसे शासक दल कहते हैं, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं, एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे के संपर्क साधना आसान होता है, इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास ना करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं, दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। एक बात मुझे आज तक आपके यहाँ समझ में नहीं आई कि आप सोचिए कि आपके चुनाव आप किसी भी पार्टी से लड़ रहा है कोई उम्मीदवार, आपको वो पसंद है आप उसे वोट देते हैं, और आप देखते हैं वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, आपने वोट दिया है दूसरी पार्टी को ध्यान में रखते हुए और वो शामिल हो रहा है दूसरी पार्टी में ध्यान रखते हुए, तो आप सोचिए अपने हित के लिए वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहा है, उसके बाद वो उस पार्टी से चुनाव लड़ता है दूसरी बार और आप उसे जिता देते हैं, मतलब इसमें मैं मतलब आपकी गलती कह सकता हूँ, उसकी क्या गलती है, वो तो अपना मतलब साध रहा है, आपको तो कम से कम ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे लगने लगता है कि वोट का मतलब यह है कि आप वोट दे आओ, किसे दिया है, क्या गया है, कहाँ गया है वोट, आपके वोट की क्या वैल्यू हो, क्या होता है, कुछ आपको मतलब नहीं है, बस आपको ठोकने से मतलब है, वोट दे के घर चले जाइए, बिल्कुल जागरूकता 1% भी नहीं रहती हमारे यहाँ वोटरों में। बात करते हैं राजनीतिक दल की जरूरत आखिर क्यों है, दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था, दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता है, दलों के बिना स्थिति होगी इसकी कल्पना करके ही हम उसकी जरूरतों को समझ सकते हैं, अगर दल ना होते तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होते होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों में से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होता, सरकार बन जाएगी पर उनकी उपयोगिता संदिग्ध होगी, निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होता, यानी कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए कि बाप घर में दमदार होता है, एक पार्टी बाप को एक पार्टी ही मान लीजिए, तो बाप नीति निर्धारण करता है कि किसे क्या काम करना है, घर में क्या होना है क्या नहीं होना है, किससे व्यवहार बनाना है, किस तरह से व्यवहार बनाना है, आप सोचिए बाप ना हो तो बेटे क्या करेंगे, दूसरे ऐसा करेंगे, उनके मन में हर तरह से जो भी हर बेटा होगा अपना तो हर अपना अपना काम देखेगा, उसे दूसरे के कामों से मतलब नहीं रहेगा, दूसरा क्या हो रहा है, क्या स्थिति चल रही है, तो इसीलिए एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों की हमें जरूरत पड़ती है जो हमारे राष्ट्र को संभाल के रख सकें और राष्ट्र की एकता को बनाए रखें, राष्ट्र की एकता के लिए नीति निर्धारण करें और पूरे राष्ट्र के लिए कुछ मतलब जवाबदेही रखें, समझ रहे हैं आप लोग, वरना आपके यहाँ विधायक चुने जाते हैं तो किसी पार्टी की क्षेत्रीय पार्टी के रहते हैं तो वो आपके
ऊपर ही ध्यान देंगे, उसे देश से मतलब नहीं रहेगा कि देश कहाँ जा रहा है, बन भी रहा है या बिगड़ भी रहा है। तो इसीलिए भी पार्टी का महत्व रहता है राष्ट्रीय। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हम दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या फिर छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील। एक बात और आप लोग देख सकते हैं कि सरपंच जीतते हैं, उन्हें मतलब क्या रहता है? उन्हें तो मुझे लगता है कि अपनी पंचायत से भी मतलब नहीं रहता है। समझ रहे हैं कि पंचायत के लोगों का कल्याण करना चाहिए, तो वो देश के लिए क्या सोचते? तो इस एक कारण ये भी है कि आपके जो राष्ट्रीय दल हैं उनके होने का यही फायदा रहता है। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा हुआ है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या फिर उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने, नीतियों का समर्थन कर अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। राजनीतिक दलों की गतिविधियों दर्शाने वाली इन तस्वीरों का वर्गीकरण करिए। ऊपर बताई गई गतिविधियों से संबंधित इलाके की कोई तस्वीर या कथन को ढूंढिए। देखिए, महंगाई, गैस सिलेंडर के महंगाई के समय आंदोलन किया जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्याज और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने का विरोध प्रदर्शन करती हुई एक चित्र में। जहरीली शराब पीने से मरे व्यक्तियों के परिवारों को 1 लाख रुपए का चेक देते हुए मंत्री साहब। और ये देख रहे हैं, कोरिया की कंपनी पॉस्को को उड़ीसा से लोह अयस्क निर्यात करने की अनुमति देने पर राज्य सरकार के खिलाफ भाकपा ओपी ओजीपी और जद के कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए। ठीक है, अब बात करते हैं कितने राजनीतिक दल। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। आप भी चाहें तो आप भी राजनीतिक दल बना सकते हैं। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा है। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था हम लोग कहा जाता है। आप देखते हैं चाइना का, इसका उदाहरण ले सकते हैं। कक्षा 9वीं में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है, पर वहां की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता है। अब सोचिए, आपकी कोई मतलब ही ना हो आपके राजनीतिक दल बनाने का, तो लोग क्यों बनाएंगे? टाइम पास के लिए थोड़ी बनाएंगे। तो यही है, हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी चाहिए, साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। आप ही सोचिए कि आपके देश में एक पार्टी होती, फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर चाहे बीजेपी, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता? आप वोट डालिए या ना डालिए, क्या फर्क पड़ता है? एक पार्टी जीत कर आती है। समझ रहे हैं आप लोग?
ये तो वैसा ही हाल है कि रेस चल रही है, उसमें आप ही सिर्फ दौड़ रहे हैं। तो आप दौड़िए है ना, दौड़िए, धीरे दौड़िए, जीतेंगे तो आप ही। तो यही है, तो इसे लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि जब हमें चुनने, सरकार चुनने का ही अधिकार नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं लोकतंत्र। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच की बदलती रहती है। एक बात और याद रखिए, अन्य देश जो राजतंत्र है और एक दलीय व्यवस्था है, वो तो ठीक स्थिति में हो, वहां के नेता मुझे ठीक लगते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आपकी अगर देश में इस तरह की व्यवस्था होती तो आपके यहाँ के नेताओं की मतलब छवि बहुत बुरी हो चुकी है। समझ रहे हैं आप लोग कि वो मुझे नहीं लगता है कि आपका ख्याल रख पाते। अभी तो आपसे आशा है, तो कम से कम चुनाव के टाइम आपके दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। जब उन्हें पता होता कि आप उनके लिए कोई महत्व नहीं है आपका, तो आपको वो देखने भी नहीं आते कि आप जिंदा हैं या मर भी चुके हैं। वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं। कहा, कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है, वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकते हैं, पर अब सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने की प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसा ही दो दलीय व्यवस्था है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से जाना के लिए अपने दम पर या फिर दूसरे से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था करते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपके यहाँ एनडीए, एनडीए बीजेपी को नहीं कहा जाता है, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन्हें मिलाकर एनडीए बनता है। यूपीए की बात करें तो जो कांग्रेस है उसके सहयोगी दलों को मिलाकर यूपीए कहते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे गठबंधन या फिर मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे तीन प्रमुख गठबंधन थे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता अस्थिरता की तरफ ले जाती है, और इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारकों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि सोचिए कि आपके देश में अगर एक पार्टी को बहुमत मिलता है, तब दमदार हो सरकार होती है, वो कोई भी फैसला ले सकती है। आप देखिए, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में पूर्ण बहुमत से मिली हुई है। अगर एनडीए भी उसका साथ ना देता और भी दल, तब भी वो सत्ता में रह सकता था। तो देखिए, उसने कड़े कड़े फैसला लिए, चाहे आपका 370 का मामला हो, आर्टिकल 370 का मामला हो, 2019 में लिया उसने, उससे पहले राम मंदिर पर कुछ फैसले करने की बात हो या फिर और कुछ भी मामले हो, इस तरह से मतलब वो एक तरफा फैसले ले सकती है। समझ रहे हैं, किसी देश से क्या करना है, स्ट्राइक की आपने देखा होगा पाकिस्तान पर, इस तरह के कड़े फैसले लिए हैं कई तरह के। समझ रहे हैं आप लोग, और अगर इसमें गठबंधन शामिल होता तो इस तरह के फैसले लेने में मुश्किल रहती है। और फिर याद रखिए क्या होता है कि अपने अपना मंत्रालय, जो मलाईदार मंत्रालय होता है, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। किसी को रेल मंत्रालय चाहिए होता है, वित्त मंत्रालय, इसी पर लड़ाई चलती रहती है। तो ये अच्छी बात कही है कि 2014 और 2019 में जो चुनाव हुए, 16 और 17वीं लोकसभा में, इसमें पूर्ण बहुमत की सरकार मिली हुई है, पूर्ण समर्थन मिला हुआ है एक पार्टी को, सिंगल पार्टी को। तो इसमें क्या होता है कि कड़े फैसला लीजिए, स्थिर सरकार रहती है, गिरने की कम संभावना रहती है। आप सोचिए, गठबंधन आज सही चल रहा है, हो सके कल उनकी विरोध होने लगे, कल सरकार गिर जाए, इससे जनता भी परेशान रहती हो जाती है। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है, अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है, यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होता है। इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीजें अपनी भूमिका निभाते हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता है। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करते हैं। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है,
तो इसका कारण यह है कि दो तीन पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधता को समेट पाने में अक्षम है। हम मुल्क और हर स्थिति में कोई ही एक ही आदर्श प्रणाली चले यह भी संभव नहीं है। ऊपर कुछ पॉइंट दिए गए थे, उन्हें भी देख लेते हैं। एक बात याद रखिए कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय दल भी हैं और राष्ट्रीय दल भी हैं। लास्ट में कुछ टाइम दीजिए, हम बात करेंगे आपके राष्ट्रीय दलों के बारे में कौन कौन से हैं। अभी जो अपडेट हुआ है उसे भी हम देखेंगे। निम्नलिखित काल्पनिक कथा के पीछे प्रेरणा है। श्री किशन पटनायक 1930 से 2004 तक इनका जीवन रहा है, जिन्हें किशन जी के नाम से भी जाना जाता है। 1962 में इन्हें उड़ीसा के संबलपुर से सांसद चुना गया। एक वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़ा करने की बात से किशन जी का क्या मतलब था? सुधा करना करुणा शाहीन ग्रेसी की बातचीत के क्रम में यह सवाल उठा। ये चारों महिलाएं देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही मजबूत आंदोलनों से जुड़ी थी। ये चारों उड़ीसा के एक गांव में बैठी थी और जन आंदोलन के भविष्य पर नए से तरह से विचार कर रही थी। यहां उनको आंदोलनों के रोज रोज के कामों की चिक चिक भी परेशान नहीं कर रही थी। स्वाभाविक तौर पर बातें किशन जी की तरफ मुड़ी, जिन्हें देश भर के आंदोलनकारी जमातें अपना मित्र, राजनीतिक दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शक मानती थी। किशन जी का तर्क था कि आंदोलन के लोग चुनावी राजनीति में सीधी हिस्सेदारी करें, यह एक सरल लेकिन ताकतवर नहीं तर्क था। एक मुद्दे पर केंद्रित आंदोलन से जीवन के एक क्षेत्र में जो कुछ बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या जीवन के किसी एक पहलू में भी बुनियादी बदलाव चाहते हैं, तब हमें एक राजनीतिक संगठन की जरूरत होगी। जन आंदोलन को राजनीति में एक नैतिक ताकत के तौर पर एक नया राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तत्कालिक जरूरत है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए आप्रासंगिक हो चुके हैं। ग्रेसी ने कहा कि लेकिन किशन जी ने इस कभी स्पष्ट नहीं किया कि यह संगठन कैसा होगा। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विकल्प या राजनीति में तीसरी शक्ति की बात की, पर क्या उनके ऐसा करने का आशय एक राजनीतिक दल बनाने से था? ग्रैसी का मानना है था कि पुराने ढर्रे का राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में समर्थ नहीं है। इसे आप पार्टी की तरह देख सकते हैं। आप दिल्ली में समझ रहे हैं, आप लोग 2013 के करीब आती है आपकी, किस तरह से धमाल मचा देती है। सुधा उसकी बात से सहमत थी। मैं इस विषय पर कई बार विचार किया है। मैं मानती हूं कि हमने आज तक विस्थापन, भूमंडलीकरण, जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न या प्रविकास के विकल्प मॉडल के लिए जितने आंदोलन खड़े किए हैं वे राजनीतिक ही हैं। पर जैसे ही हम कोई दल बनाएंगे, हमारे इतने वर्षों की प्रतिष्ठा चौपट हो जाएगी, तब लोग हमें नेताओं से अलग नहीं मानेंगे। करुणा जी ने बीच में ही कहा कि फिर हमने यह भी देखा है कि मौजूदा दलों पर दबाव बनाकर भी काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे। लोग हमारे काम का आदर करते हैं, वे हमें अच्छा भी मानते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो विस्थापित दलों को ही वोट देते हैं। याद रखिए, ये बात तो सही है कि आपके दिमाग में पता नहीं क्या राष्ट्रीय दलों की या फिर क्षेत्रीय दलों के दिमाग में उपज हो जाती है, मतलब एक छवि गढ़ दी जाती है कि आप वोट उसी को देते हैं। आपके यहाँ गए निर्दलीय विधायक अच्छा काम करता है, आपका ख्याल रखता है, फिर भी आप उसे देने के दोबारा जिताने के मूड में नहीं होते। समझ रहे हैं, मतलब कोई आपके लिए 24 घंटा आपकी हाजिर में खड़ा हुआ, लीजिए मालिक साहब, नौकर की तरह आपकी सेवा कर रहा है। विधायक हो, कोई भी नेता हो, आप उसे वोट नहीं देते हैं। आप क्या करते हैं कि एक बड़ा चिन्ह देखते हैं किसी बड़ी पार्टी का, उसी पर आप लोग वोट दे देते हैं। समझ रहे हैं, मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि जिस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं उसकी उम्मीदवारी के बारे में आप कुछ पता नहीं, फिर भी आप उसे जिता रहे हैं। ये दुर्भाग्य ही कहिए ना आपका। समझ रहे हैं आप लोग। शाहीन उनसे सहमत नहीं थी। देखिए बात बहुत साफ है, किशन जी चाहते थे कि सभी जन आंदोलन मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाए। हाँ, वे इस पार्टी के को दूसरों से एकदम अलग रंग रूप में देखना चाहते थे। वे राजनीतिक विकल्प बनाने की जगह वैकल्पिक किस्म की राजनीति चाहते थे। किशन जी अब दुनिया में नहीं रहे, इन चारों कार्यकर्ताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्हें नया राजनीतिक दल बनाना चाहिए? क्या कोई राजनीतिक दल राजनीति में नैतिक बल बन सकता है? यह दल कैसा होना चाहिए? ये तो आप
निर्भर करता है। देखिए क्या निर्भर करता है कि दबाव समूह भी इस तरह के जो आंदोलन होते हैं इनमें से भी राजनीति बदली जा सकती है। आप सोचें कि इनसे भी आपका काम नहीं कराया जा सकता है, इनसे भी बिल्कुल कराया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा है कई आंदोलन हुए और वो सक्सेस भी रहे हैं, कई संगठन भी बने समाज से भी, उनके दबाव में आकर भी सरकार को फैसले लेने पड़े। समझ रहे हैं आप लोग? तो या तो पार्टी, हाँ अगर ऐसा हो सकता है एक ही विचारधारा के, और आपका आंदोलन सभी आंदोलन एक ही विचारधारा में जुड़े हुए हैं, लगभग आपके हित समान है, तो आप पार्टी बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आप पार्टी इसी तरह के मुद्दों से तो उठी थी, भ्रष्टाचार को कम करेंगे, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तो उठी थी। और आप सोचिए काम भी बढ़िया किया है, हुआ है उसने, दिल्ली में बढ़िया काम किया है। आगे चलते हम लोग, आदि आइए दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना उसे भारत के विभिन्न राज्यों पर लागू करें। यहाँ राज्य स्तर पर तीन तरह की दलीय व्यवस्था है देखने को मिलेगी। क्या आप श्रेणियों के लिए कम से कम दो राज्यों के नाम बता सकते हैं? दो दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था का मतलब यह है कि देखिए दल तो हर जगह चुनाव लड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके एमपी में हो, फिर चाहे राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, जहां चुनाव ना लड़ा जाता हो, दो ही दल रहते हैं मेन। लेकिन फिर आप देख लेते हैं कहीं कहीं क्षेत्रीय दल भी उभर कर आ जाते हैं। देखिए अभी राष्ट्रीय मामले में अगर बात करें सरकार बनाने के मामले में, तो कांग्रेस और बीजेपी है आपके यहाँ। अगर राज्यों की अगर हम बात करें, जैसे एमपी को ले लीजिए, यहाँ भी आप देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर बनी रहती है। यूपी में आप देख सकते हैं कि कभी बीएसपी आ जाती है, कभी आपकी कांग्रेस, कभी सपा, कभी बीजेपी। तो इस तरह से क्षेत्रीय दल यहाँ काफी है, दो क्षेत्रीय दल हो गए, एक क्षेत्रीय दल हो गया, तीन राष्ट्रीय दल हो गए, सपा आपका क्षेत्रीय दल है और मायावती का, और बीजेपी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होगी। दो गठबंधन वाली बहुदलीय व्यवस्था की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा है कि एक को बहुमत नहीं मिला है तो बाकी ने एक गठबंधन करके बना लिया है, शिवसेना ने। बहुदलीय व्यवस्था यानी कि एक से ज्यादा दल होना। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों में जनभागीदारी। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखती है। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं करते हैं, बहुत भरोसा नहीं है वे कि वे पक्ष में बोले, उनको अनुपात कुछ भरोसा या फिर पूरा भरोसा बताने वालों से काफी ज्यादा था। यही बात ज्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन, दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। पिछले 3 दशक के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वाले का अनुपात भी सऊदी में बढ़ गया है। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई। अपनी किसी पार्टी को देखने वालों की संख्या, विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वालों की संख्या, भारत में पार्टी सदस्यता बढ़ी, कुछ किसी दल का सदस्य बताने वालों के ग्राफ ये देखा होगा। यहाँ आपको दक्षिण एशिया में पूरा भरोसा 37-35, कुछ भरोसा या कुछ बहुत भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं, 20-35 नहीं जानते हैं, ये बड़े अजीब हैं, ये नहीं जानते। तंजानिया का देख सकते हैं भारत में। एक बात आप लोगों को बता दूं यही कि नेताओं की और पुलिस वालों की छवि हमारे मन में बड़ी कर दी गई है। आपके राष्ट्रीय दलों के बारे में अगर हम बात करें आपके देश के, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या है, भारतीय जनता पार्टी आपका राष्ट्रीय दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, फिर आपकी चौथी बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल पार्टी, ये आपका नेशनल जो पीपुल पार्टी है,
इसे अभी ही हाल में ही राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है पार्टी का, ठीक है, याद रखिए। अगर हम लोग क्षेत्रीय पार्टी यानी कि राज्य पार्टी की बात करें तो अपना दल हो गया, आम आदमी पार्टी, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, ये आपकी तमिलनाडु में देखा होगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल इंडिया शेरे हिंद पार्टी, असम गण परिषद, देशिया मोरपुक्कू देवीडर कड़गम, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी की, जनता दल, जनता दल, जनता दल एक यूनाइटेड है और दूसरी सेकुलर है, जम्मू और कश्मीर नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, मैजू नेशनल फ्रंट, मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस मणि, केरल कांग्रेस, पट्टाली मक्कल काची, तेलुगु देशम पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, नागालैंड पीपुल्स फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, बीजू जनता दल, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे वाली, महाराष्ट्र वादी गोमांतक पार्टी, मणिपुर पीपुल्स पार्टी, मरो मलारची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय लोक समता राष्ट्र पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, YSR कांग्रेस पार्टी, ये जगन रेड्डी साहब की, समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना, ये आपकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं राज्य स्तर की, ठीक है। 27%, 27% कनाडा वासी मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए पार्टी को, और 35% कनाडा वासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव को सत्ता में होना चाहिए, 98% कनाडा वासी मानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक ही बहुत बड़े कार की डिक्की में बंद करके उसे नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए। इस तरह से आप देख रहे हैं, यानी कि इनका भरोसा नहीं है नेताओं पर। राष्ट्रीय दल, विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में दो तरह के राजनीतिक दल होते हैं, संघीय इकाई में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, और अनेक या फिर संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति देखने को मिलती है, कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों के विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुछ मिला कुल मिलाकर देखें तो ये सारी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती है। देश में हर पार्टी को निर्वाचन आयोग अपना पंजीकरण कराना पड़ता है, निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग में, ठीक है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, ऊपर यह बड़े और स्थापित दलों को विशेष कुछ विशेष सुविधाएं भी देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेष अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल का कहते हैं हम लोग। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और स्पीकर जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा में चुनाव पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है तो कम से कम 2 सीटें सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। कहने का मतलब सीधा सा है कि आपके यहाँ अगर वोट राज्य में पड़ रहे हैं तो 6% वोट कम से कम, और 2 सीटें अगर उसे मिल जाती हैं तो वह राजनीतिक यानी कि राज्य स्तर का उसे दर्जा मिल जाएगा। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 4-6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। कहने का मतलब है राष्ट्रीय दल के बारे में कि अगर 6% लोकसभा में चुनाव हुआ उसमें आपके 6% वोट कम से कम 4 राज्यों से अगर मिले और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें अगर मिलती हैं तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2017 में देश में 7
सात दल राष्ट्रीय दल स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व बताता हूं। याद रखिए अब आपके 8 हो चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक नया दल जिसे आप लोग क्या कहते हैं, नेशनल पार्टी पीपुल्स के, नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसे आपका 2019 में दिया गया है, पीए संगमा की पार्टी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। पुष्प और तरण पार्टी का प्रतीक चिन्ह है। धर्म निरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में भी है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। 2014 में हुए आम चुनाव में से 3.84 यानी कि 3.84% वोट मिले और 36 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिसे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, ये स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन हुआ। बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह शामिल हैं, के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्गों के वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में भी यह पर्याप्त ताकतवर है। राजस्थान में भी ताकतवर। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार भी बनाई है। इस दल को 2014 के लोकसभा चुनाव में 4% वोट मिले थे, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली हुई थी। 2014 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2019 में आपने देखे 16वीं लोकसभा में इसे 10 सीटें मिली हुई हैं। सापाओ दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें हम लोग, तो पुराने जनसंघ को जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। अप्रैल 1980 में भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल दीनदयाल उपाध्याय के विचारों, समग्र मानवतावाद और अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य है इसका। भारतीय राष्ट्रवादी और राजनीति की अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या फिर हिंदुत्व एक प्रमुख तथ्य है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ भी है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में। 1990 के दशक में इसमें के समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर और देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनता तांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1958 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2014 में यह लोकसभा चुनाव में 282 सीटें जीतकर सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी और 2019 में आपने देखा है कि 303 के करीब से सीटें मिली हुई हैं और सबसे बड़ी एक पूर्ण बहुमत की सरकार दी हुई है। और याद रखिए ये ऐसी पार्टी है कि 2014 में मिली हुई, उसके बाद देखा है कि 2019 में भी जनता ने मोदी पर भरोसा किया बीजेपी पर। अभी भी कर्ण शासन करने वाले राष्ट्रीय जनता तांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। एक बात याद रखिए, हर पार्टी का अपना कोई ना कोई मतलब विचारधारा होती है, उसी को लेकर वो आगे चलती है। फिर आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, 1925 में इसका गठन किया गया। मार्क्सवादी, लेनिनवाद, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी, यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने की का एक उपकरण मानती है। 1964 में फूट, जिसमें माकपा इससे अलग हुई और बाद में इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति में है। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम हो रहा है। 2014 में के लोकसभा चुनाव में 1% से भी कम वोट मिला था, 1 सीट भी हासिल हुई थी। मजबूत वाम मोर्चा वाले के सभी वामपंथी दलों को एक साथ लाने का विपक्ष धर भी है। याद रखिए केरल में आपने देखा है, केरल में स्थिति इसकी ठीक है, क्या है, केरल में ठीक स्थिति है
और केरल में सरकार बनती है तो ये काम भी बढ़िया करता है। फराकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सलिस्ट सीपीआईएम 1964 में स्थापित हुई। मार्क्स लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र का समर्थक और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी है। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य बनाने साधन में लोकतांत्रिक चुनाव को सहायक और उपकरण मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है इसका। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ भी है। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्ति आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक भी है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्ष से शासन में रही है। 2014 में के चुनाव में इसमें इससे करीब 3% वोट और लोकसभा की 9 सीटें भी हासिल हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन भी हुआ है। आजादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज बनाने का प्रयास भी किया है। 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। 1989 के बाद से इस दल को के जन समर्थन में कमी आई, पर अभी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अपने वैचारिक रुझान में मध्य वर्ग मार्गी, ना वामपंथी ना दक्षिणपंथी, इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थन है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व इसी ने किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई और अभी लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल भी है। यानी कि विपक्षी दल का मतलब है कि इसके पास अधिक सीटें हैं, लेकिन ये विपक्ष के नेता चुना नहीं जाता इसमें से, क्योंकि आपने देखा है 10% सीटें नहीं मिली हुई है इसे। ना तो 2019 में 17वीं लोकसभा में मिली हुई है, ना ही 16वीं में। ठीक है, फिर आपकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था, यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदारी, 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल भी रही है। एक बात यहाँ बता देते हैं, पी संगमा की बात करें, ये आपकी 2019 में नेशनल पार्टी बनती है, राष्ट्रीय पार्टी। इसके अध्यक्ष रहे हैं पी ए संगमा, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था पी ए संगमा, अभी इसके अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा। इसकी जो चुनाव चिन्ह है उसका है किताब, बुक्स। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी राष्ट्रीय दलों की। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय दल के बारे में। इन 7 पार्टियों, अब 8 हैं, पहले 7 थी लेकिन अब 8 हैं। ठीक है, 8 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों का को निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय, राज्य दलीय के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें आप लोग क्षेत्रीय दल भी कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर उन्हें कुछ ऐसे ही क्षेत्रों में सफलता मिल पाई है। याद रखिए एक बात और, ये आपका कई बार पूछ लिया है, जैसे आम आदमी पार्टी के बारे में अभी पिछले ही साल क्वेश्चंस पेपर बना था पीसीएस में कि ये क्षेत्रीय दल है या फिर राष्ट्रीय दल, और भी ऑप्शन थे तो आपको बता देना है क्षेत्रीय दल है। ठीक है, राज्य दल। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इसकी इनकी कई राज्यों में इकाइयां भी है। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मेजू नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां अपने क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत है। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है, इससे भारतीय संसद विविधता से और भी ज्यादा संपन्न हुए। 2014 तक किसी एक राजनीतिक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा है। याद रखिए 2014 से पहले आपने देखा है गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, यानी कि एक पार्टी को पूर्ण
बहुमत नहीं मिलता था। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर होते थे और 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या फिर दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला और इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए। इन दलों के ब्यौरे के लिए अगले पृष्ठ पर नक्शा दिए गए। जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल फ्रंट 1939 में ही बना। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1999 में। राष्ट्रीय लोकदल 1998, समाजवादी पार्टी 1992 और भारतीय की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। याद रखिए, अभी मैं बता भी चुका हूँ आपको पूरी अपडेट करके 2019 तक, अभी कुछ टाइम पहले बताया था। जनता दल, ये सभी आपकी जम्मू कश्मीर। अब याद रखिए, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है। जम्मू जो कश्मीर है इसे इसमें विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख जो है इसमें विधानसभा नहीं होगी, ठीक है, याद रखिए। पंजाब की आप बात करें तो यहाँ आपको शिरोमणि अकाली दल भी देखने को मिलेगा और आम आदमी पार्टी आपकी पंजाब में भी है। इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में, दिल्ली में आपकी पंजाब आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा समाजवादी हो गई, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और बाकी आपकी जानते बीजेपी और कांग्रेस बीएसपी सब यहाँ है, ठीक है। ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ आपकी केवल क्षेत्रीय पार्टियों को दिया गया। फिर उसके बाद आपकी बिहार की बात करें तो यहाँ जनता दल हो गया, यू लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, झारखंड में भी है राष्ट्रीय लोक समतावादी पार्टी भी हो गई। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया 1993 में, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2013 में। असम की अगर बात करें जाए तो यहाँ असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2006 में, असम गण परिषद 1985, बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की नागा पीपुल्स फ्रंट मणिपुर में भी है, मणिपुर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस। और मिजोरम में देखें हम लोग तो मिजोरम पीपुल्स काउंफ्रेंट, मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी में जो नेशनल फ्रंट भी है। मेघालय या आपको हिल स्टेट्स स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में ही बनी, ठीक, मणिपुर में भी है। पंजाब पश्चिम बंगाल में बात करें हम लोग तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी केरल में भी है। झारखंड में JMM 1973 में, AJSU जनता पार्टी 1986, GBMP ये 2006 में। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना में 1982, ये तेलंगाना में भी, YSR कांग्रेस पार्टी 2011 में, ये तेलंगाना में भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तमिलनाडु की बात करें और पुडुचेरी, तो यहाँ पुडुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस 2011 और पट्टाली मक्कल कच्ची ये 1990 में। तमिलनाडु की बात करें तो ऑल इंडिया अन्ना DMK 1982 ये पुडुचेरी में, देवेंद्र मुन्नेत कड़गम पार्टी पुडुचेरी में भी है, देसिया मुरपुक्कू देवेंद्र कड़गम ये 2005 में। केरल बात करें तो केरल कांग्रेस मणि 1964, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1948। उसके बाद आप देखें तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति 2001, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम। कर्नाटक की बात करें तो जनता दल सेकुलर और 1999 केरल में भी है, ठीक है। महाराष्ट्र में बात करेंगे तो महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी 1961 और गोवा और फॉरवर्ड पार्टी ये गोवा की है, ठीक है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये आपकी महाराष्ट्र में है, शिवसेना और शिवसेना भी आपकी महाराष्ट्र में, ये आपकी उद्धव ठाकरे के पास है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये आपकी राज ठाकरे के पास है इसका नेतृत्व। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियों की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण है। चूंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं
कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता है। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के चार पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इस चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। आपने देखा है 2014 में बीजेपी को क्यों जिताया गया, मोदी को क्यों लाया गया? क्योंकि आपके मन में एक छवि गढ़ चुकी थी कांग्रेस के विधि नकारात्मक की, भ्रष्टाचारी है, इसके कारण में कार्यकाल में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, 2G घोटाला, इस तरह के कितने बड़े घोटाले, तो आपके दिमाग में एक छवि गढ़ गई थी, तो आपने दूसरी पार्टी को चुना। पहली चुनौती है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथों में सिमट गई है। पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है, ना ही नियमित रूप से संगठित बैठकें होती हैं। इसके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते, कार्यकर्ताओं से भी सूचनाओं को का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद ना तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की लागत होती है, ना ही कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार पार्टी के नेता हत्या लेते हैं। चूंकि कुछ नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनके असहमत होते हैं उनका पार्टी से मिट्टी के रह पाना मुश्किल रहता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप सोचें कि कांग्रेस में ही लोकतंत्र नहीं है, तो आप किसी भी पार्टी में अब लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। एक तरह से आप सोचिए कि आप अपने ही परिवार को अगर टिकट दे रहे हैं तो इसमें कौन सी सहमति, इसमें क्या आप कह सकते हैं? जैसे आपने कई नेताओं को बीजेपी में भी देख सकते हैं आप लोग कि अपने ही परिवार के मेंबरों को टिकट दिया जा रहा है, उसमें कांग्रेस में भी देख सकते हैं आप लोग, समझ रहे हैं? आपको लगता है कि संभव है कि कोई गरीब उठकर डायरेक्ट पहुंच जाए? नाम लेते रहते हैं आप, मुझे नहीं लगता है संभव है। फिर भी देखिए कहानी जो गढ़ी गई है उन्हें तो मानना ही पड़ेगा ना। अगर राजनीति होती, अगर मतलब परिवारवाद ना होता राजनीतियों में, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी अपने परिवार के सदस्य को टिकट देने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे, वह इटली के बड़े व्यवसायियों में से एक थे। वे 1993 में गठित फोर्जा इतालिया के नेता थे। उनकी कंपनी कई टीवी चैनल, सबसे महत्वपूर्ण विकास ग्रह, एक फुटबॉल क्लब एसी मिलान और बैंक की मालिक है। यह कार्टून पिछले चुनाव के समय का। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है, यह है वंशवाद की चुनौती। चूंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, और इसको आप लोग हर पार्टी में देखते हैं। कभी आप लोग देख के देखिए, अगर बीजेपी आपको लगता है बीजेपी में नहीं है ऐसा, तो आप उसे भी देखिए। कांग्रेस को आपको बिल्कुल साफ दिखता है, कांग्रेस में हर पार्टी में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, फिर राष्ट्रीय पार्टी हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा परिवारवाद, अपना वंशवाद। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं, यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कामोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर कांग्रेस में एक ही पद मतलब राष्ट्र के अध्यक्ष रहता है उसका, तो आपने देखा है गांधी परिवार से हमेशा जुड़ा रहता है, कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी। तो मुझे लगता है यही कमजोर, इसी कारण उनकी पार्टी कमजोर हुई है। अगर तीसरे को अगर अध्यक्ष लाते दूसरे को, किसी को अपने पार्टी अपने परिवार से जोड़कर, तो मुझे लगता है कि पार्टी मजबूत होती। और आप सोच रहे हैं कि मजबूत पार्टी का ना होना देश के लिए भी नुकसानदायक होता है, कि आप सोचिए कि बीजेपी को आप 2019 में जीतने का श्रेय खुद की मेहनत पर मत दीजिए। सबसे ज्यादा जीतने का श्रेय आपको देना है तो राहुल गांधी और कांग्रेस को दीजिए। देखिए तभी मतलब देश में लोकतंत्र रहता हो, तभी देश आगे बढ़ पाता है जब दो मजबूत पार्टियां हो, तो अपनी मेहनत पर वो जीते। अब आप सोचिए कि आपके यहाँ दौड़ में आपको शामिल किया जा रहा है, रेस में एक दौड़ चल रही है, उसमें एक विकलांग लड़के को आपके साथ दौड़ा दिया जाता है, तो ये तो अन्याय है ना। और आप धीरे चलेंगे तब भी जीत जाएंगे, तो यही हाल है।
कि विकलांग हो गई है कांग्रेस, और बीजेपी अपनी ताकत से नहीं उसकी मतलब खास लड़ लेती है, चल देती है, जीत जाती है। एक मतलब ताकतवर होना चाहिए दोनों बराबर की, तभी मजा आता है राजनीति में। कि आप सोचें कि एक ताकतवर नेता से ताकतवर नेता का सामना हो रहा हो तब मजा आता है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए थे, इस तरह मुझे लगता है राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी को खड़ा करना चाहिए एक ही लोकसभा चुनाव से, इस तरह तब मजा आया देश में। तीसरी अगर चुनौती दलों में कहें तो खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधों अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। चूंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, इसलिए इसके लिए कोई भी जायज या नाजायज तरीका अपनाने से भी परहेज नहीं करती। वे ऐसे ही उम्मीदवार बताती हैं जिनके पास काफी पैसा हो या पैसे जुटा सके। किसी पार्टी के को ज्यादा धन देने वाली कंपनियों और अमीर लोग इस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाली अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थन, लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बड़ी बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित भी है। पहले क्या हुआ करता था, आप लोग मूवी देखते हैं, पहले नेता की मदद, नेता चुनाव लड़ता था और जो अपराधी होता था वो मदद किया करता था, वोट कैप्चरिंग, जबरदस्ती वोट डलवाना या किसी जाति को वोट ना डालने देना। लेकिन इन अपराधियों के दिमाग में एक सवाल उठने लगा कि हम नेता को जिता सकते हैं तो हम क्यों नहीं नेता बन जाते हैं? तो उसके बाद आपने देखा है कि नेता ही अब अपराधी ही नेता बनने लगे। कई बाहुबली तो ऐसे भी आपने देखे हैं कि जो जेल में बंद हैं फिर भी चुनाव जीत जाते हैं। और धन्य है उस क्षेत्र की जनता को भी जो इस तरह की दागियों को चुन भी लेती है, अपराधियों। और वैसे भी आपके सांसद हो चाहे विधायक, इनमें से एक बड़ी संख्या आपकी अपराधियों की ही बैठी हुई है। और अपराधी बैठे हुए हैं तो आप सोचिए उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं आप लोग? कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि अगर कानून में सुधार हुआ तो उन्हें ही नुकसान होगा और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें नुकसान हो उनकी वजह से। अगर चौथी चुनौती की पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है, सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्योरों का रह गया है कि नीतियां कैसे बनाई जाए, उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं है, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। देखिए एक दल में एक दलीय निचला सदन, उपचला सदन, राष्ट्रपति सब इसी में समाहित रहते हैं। कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यदल में बना था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। कार्टून देश के सभी प्रमुख संस्थानों पर कॉर्पोरेट अमेरिका का नियंत्रण होने का संकेत करता है। फिर तो आप सोचिए अगर आपके पास विकल्प अच्छा बेहतर विकल्प नहीं है तो इससे अच्छा है कि राजतंत्र ही सही है। कम से कम आपको शिकायत तो नहीं रहेगी कि आप वोट दे रहे हैं फिर भी आपको कुछ सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार है? अगर वे तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही ले लेते हैं। अगर वे सुधरना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? आइए अपने देश के राजनीतिक दलों एवं इनके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में प्रयास किए गए या सुझाव दिए गए उन पर गौर करें। याद रखिए आपके सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि न्यायपालिका ने भी कई ऐसे निर्णय दिए हैं। जैसे आपने देखा है कि अपने जो भी टिकट दे रहे हो, जैसे सांसद हो या फिर चाहे आपला विधायक हो, अगर आप विधायक के लिए चुनाव के लिए टिकट दे रहे हैं तो उसके बारे में आपको अपनी वेबसाइट पर एक उसकी जानकारी देनी होगी कि इसका भविष्य क्या रहा, इसने क्या किया है पिछले दिनों में।
समझ रहे हैं? मतलब कि कितने इस पर केस हैं, कितने इसने मर्डर किए हुए हैं, क्या है इसकी जिंदगी पुरानी लाइफ क्या है, तो उसके बारे में मतलब डालने के लिए। लेकिन इस तरह का अभी तक देखने को नहीं मिला है। और आपने देखा है अपराधियों पर रोक लगाने के लिए भी कई निर्णय लिए हैं, लेकिन सभी पार्टियां मानती कहाँ हैं इस तरह के निर्णय को। विधायकों सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून ने दल बदल में कमी आई, इससे पार्टी के में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला करता है सांसद विधायक उसे मानना ही पड़ता है सांसद विधायक को। दल बदल विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान दे सकते हैं कि इसमें आपका ही मतलब आप सोचिए न्यायपालिका या फिर संविधान पूरी तरह से नेताओं को सुधार दे, ऐसा संभव नहीं हो पाया है। क्योंकि आपने देखा है दल बदल विरोधी कानून आया 1985 में, उसके बाद आपने देखा है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, उसके बाद भी नेताओं ने अपना विकल्प खोल लिया है, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अपना इस्तीफा देकर उससे चुनाव लड़ देते हैं। जब वो उससे चुनाव लड़ते हैं फिर भी आप उन्हें वोट दे देते हैं, समझ रहे हैं? अगर ऐसा हो जाए कि चुनाव आयोग ने तो अपनी फिर चाहे आपका न्यायपालिका है संविधान है सबने आपकी निर्धारित कर दी, लेकिन अब अगर दो किसी पार्टी को छोड़कर लालच या मंत्री पद के लिए जाते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसे वोट ना दें। क्योंकि आप अगर किसी लालची व्यक्ति को वोट देते हैं नेता को तो ये आपकी गलती है ना। इसमें संविधान में और फिर या न्यायपालिका या चुनाव आयोग क्या कर सकता है? ये आपका चुनाव आयोग है, ये दल हो गए। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया है। इन नई व्यवस्था में लोगों को अपने उम्मीदवार के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं, पर उम्मीदवार द्वारा की गई सूचनाएं सही है या नहीं या जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक यह हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। देखिए जब तक जनता जागरूक नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपनी साझा भी जानकारी भी साझा कर दें, अपना आपराधिक जो भी प्रवृत्ति रही है उसे भी उजागर कर दें, फिर भी अगर जनता चाहे तो उसे वोट दे सकती है। तो इसमें जनता को जागरूक होना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना, आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी किया है कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होता है। यह बात अभी नहीं है, अभी नहीं कही जा सकती है कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाना जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र पदाधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। अक्सर आप देखते हैं कि बड़े नेता जिसे भी अध्यक्ष बनाना चाहें जिस भी पार्टी का बना सकते हैं, ठीक है, उसमें चुनाव की ज्यादा प्रक्रिया नहीं देखी जाती है। अब आप सोचिए कि ऐसा हो कि कोई गरीब भी चुनाव लड़ सके उस पद के लिए, तब कह सकते हैं आप लोग कि उसमें लोकतंत्र है। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब एक तिहाई जरूर टिकट दे। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। आप देखते हैं कि आपकी लोकसभा में 78 महिलाएं हैं, कितनी 78 महिलाएं चुनी गई 2019 के लोकसभा चुनाव में। एक सोचिए कि आधी आबादी में से केवल 78 महिलाएं चुनी गई हैं और बाकी आधी आबादी में पूरा भरा पड़ा हुआ है, तो ये भी आपका असमानता देखी जाती है। चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल कागज फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात नगद पैसा दिया जा सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि 40 फिर 80 लाख खर्च करने की अनुमति है चुनाव में, लेकिन आप देखते हैं कि इससे कई जगह करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो इस पर भी अंकुश लगे। इससे क्या होता है कि भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। कोई नेता अगर
कितना पैसा खर्च कर रहा है तो उतना ही कम काम करेगा। सरपंच को यही ले लीजिए, अगर 25 से 30 लाख आजकल नॉर्मल खर्च करता है तो वो पैसा निकालेगा ना अपना, उसमें उसकी क्या गलती है, वो तो पैसा अपना बराबर निकालेगा, उसके बाद ही आपका ख्याल रखेगा। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है, अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनमें कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानून समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को जरूरत से ज्यादा नियमों को से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है, इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने की का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते हैं। दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बढ़ाने का, यह काम चिट्ठियों लिखने और प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह और आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार ना करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा, उनकी छवि खराब होगी, तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेगी। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वाले को खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना ले और बाहर से ही बात करते रहे तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान ज्यादा से ज्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति, हमें इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। आपने सुना होगा कि आपके यहाँ मतलब स्थिति इसलिए नेताओं की खराब है कि जो नेता बनने लायक है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जो अनपढ़ हैं वो नेता बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विकास अपने देश की तरक्की आप पा सकते हैं। जिसे खुद मालूम नहीं है कि नेता का मतलब है क्या होता है, वो क्या पाएगा। जिसे मालूम नहीं है कि देश में कितने राज्य हैं, अभी कई GST लागू हुआ और कई लोग सपोर्ट कर रहे थे, कई लोग विरोध कर रहे थे। किसी मीडिया वाले ने पूछ लिया कि सर GST का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो नेताजी को वो भी पता नहीं था। अभी कुछ ही देर पहले बोला जा रहा था कि वंदे मातरम जनगणमन राष्ट्रीय गीत गाना जरूरी है, तो उन नेताओं से पूछा कि नेताजी से कि आप गा के सुना सकते हैं, तो वो भी चुप हो गए। तो ये स्थिति है आपके देश के नेताओं की। शपथ पत्र, किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज, इसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उनके सही होने के बारे में शपथ उठाता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर भी देखने को मिलेंगे। ये आपके क्वेश्चन हैं इसी से संबंधित, इसी अध्याय से, और इसकी PDF आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। 1 से 2 बार अगर टाइम मिलता है तो उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस 2 बार पढ़िए, 2-3 बार आपके पास इतना ही टाइम रहता है। उसके बाद 1-2 बार आप लोग M. लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, आपका कंप्लीट हो गया। बस 2 ही बुक्स उठानी है आपको, काफी है। तभी चलते हैं। तो ये 6वां अध्याय था राजनीतिक दल, और 7वें अध्याय में आगे हम मिलते हैं लोकतंत्र के परिणाम के साथ।